क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं जो कि रोटेशन से रिलेटेड है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला वेस्ट सवाल एक्चुअली में. तो इसमें कहा गया यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास 500 ग्राम रोल्स विदाउट स्लीपिंग ऑन अ प्लेन हॉरिजेंटल सरफेस विथ इट्स सेंटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज. करने का मतलब यह है कि एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है, जो सेंटर है, इसकी वेलोसिटी वी हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, और ये बिना स्लीप किए रोल कर रहा है, तो इसके पास ओमेगा भी होगा इस तरह से कि वी जो है वो ओमेगा इंटू आर के इक्वल आएगा. ठीक, तो इसकी अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो इसकी रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे. तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लेते हैं, है ना. तो हाफ, चूंकि ये सॉलिड स्फीयर है तो इसका मोमेंट ऑफ एनर्जी आएगा 2/5 एम आर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ एनर्शिया हो गया इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर. ठीक, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा एम वी स्क्वायर बाई 5, ओमेगा इंटू आर वी होता है तो ओमेगा और आर का होल स्क्वायर है उसको वी स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर, ये भी वी सी एम है एक्चुअली में, वी सी एम इज इक्वल टू ओमेगा आर. अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे, है ना, तो ये आ जाएगा 7/10 एम वी सी एम स्क्वायर. तो 7/10 मास दिया गया है 500 ग्राम, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 500 डिवाइडेड बाई 1000 किलोग्राम इंटू सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया गया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5×10⁻²² मीटर पर सेकंड. ठीक, और इसका होल स्क्वायर है, है ना. तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा 8.75×10⁻⁴ जूल, है ना. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया.